अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक इन्फो। ये जी हमारे पास एसी डीसी पंखा, ये पंखा लगाने का तरीकाकार कैसे है, ये कैसे लगाया जाता है, ये सारा तरीका हम आपको दिखाएंगे। ये पंखा लगाने के लिए इसका कैसे कनेक्शन किया जाता है, ये पूरी वीडियो देखनी है तो सबसे पहले हम इसका बॉक्स खोलते हैं। इसके अंदर ये रॉड है और ये इसका क्लिप है और ये एसी डीसी पंखे का रिमोट है। ये जी सारे पंखे के साथ दिए गए हम पार्ट्स, ये पंखा और ये पंखे के ऊपर। पंखे को आप वाईफाई के ज़रिए मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल के साथ इसकी स्पीड अप डाउन कर सकते हैं। पंखे के ऊपर लगाते हुए आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि पंखे के ऊपर ज़रा से भी डिसबैलेंस हो गए तो पंखा आपको झुलता हुआ नज़र आएगा, पंखा वाइब्रेशन करेगा। और पंखे के पेज खोलते हुए आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि पंखे का पेज कोई गुम ना हो, कोई वार्शल, कोई सील गुम ना हो, और पंखे के ऊपरों को सही मजबूती से टाइट करना है। अगर आपके पंखे के पर ढीले हुए तो आपका पंखा डिसबैलेंस होगा, आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही सुकून होकर इस पंखे के ऊपरों को जोड़ना है। पंखे के ऊपरों को कोशिश करनी है कि सही टाइट करना है ताकि लूज़ में पर ना हो। एसी डीसी पंखे लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी बिजली की बचत है। आप एसी डीसी पंखे लगाएंगे तो आपके बिल में भी काफ़ी ज़्यादा बचत आएगी। ये मार्केट में ये है कि दूसरे पंखों से 2-4 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है, मतलब कि दूसरे पंखे थोड़े सस्ते होते हैं, ये एसी डीसी इन्वर्टर फ़ैन थोड़ा सा महंगे होते हैं। ये अपने अपने पंखों की प्राइस तक है, कौन सा स्टाइल है, कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी है। और एसी डीसी पंखे आपको मार्केट में इंतहाई खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन के पंखे आपको मिल जाएंगे। ये जी हमारे पंखे के ऊपर लग गए हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इस पंखे का ओरिजिनल जो रॉड है वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास पहले से सीलिंग में लगा हुआ है, तो ये ऊपर वाला कप है, ठीक है। और इस कप को हम फैन रॉड में लगाते लेते हैं और कोशिश करनी है कि सीलिंग में और कप में थोड़ा सा जो है आपने गैप रखना है, फासला रखना है, ताकि आपका पंखा चलते हुए सीलिंग के साथ प्रॉपर तौर पे टच ना हो और ज़्यादा सीलिंग में आवाज़ ना दे। अगर आपका पंखा बिल्कुल क्लोज़ होगा, सीलिंग के साथ टच हो रहा आपका कप या पंखे का रॉड, तो फिर आपका पंखा आवाज़ देगा, वाइब्रेशन होगी पंखे की तो आपका पंखा आवाज़ देगा। तो ये पंखे की कार्टन पिन खोल लेते हैं और ये ऊपर वाला कप है। अब दिया गया हमारे पास पंखे कनेक्शन। ये डीसी 12 वोल्ट है, सोलर का निशान दिया गया है। और ये जी हमारे पास 220 वोल्ट एसी है, जो कि आपदा वाली सप्लाई है। खंबे का टावर का भी निशान दिया गया है। ये कनेक्शन है ये मोटर का, जो मोटर के अंदर सितारे आई हुई हैं, ये हमारे पास कार्ड सर्किट के ऊपर जो लगी हुई हैं। ये स्प्रिंग जो है हमारा एंटीना है पंखे का, और ये बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं ये इस पंखे के। ज़्यादातर जो डीसी फैन होता है उनका कनेक्शन हो चुका होता है कंपनी की तरफ से, कुछ पंखों का करना पड़ता है। अब हम पंखे को लगा लेते हैं, इसकी सप्लाई वो हम निकाल ली है इसके साथ और पंखे से, ठीक है। एक और चीज़ है, डीसी पंखे जितने भी डीसी पंखे होते हैं उन पंखों में कैपेसिटर, डीसी पंखों को कैपेसिटर नहीं लगता, एसी पंखे जो होते हैं उनको कैपेसिटर के साथ कनेक्शन करते हैं। डीसी पंखे जितने भी होते हैं उनको कैपेसिटर नहीं लगता, सिंपल उनका कनेक्शन एसी डीसी ही होता है। अब करते हैं हम अपने पंखे का कनेक्शन। हमारे पास डीसी वायरिंग नहीं है, डीसी सप्लाई नहीं है, तो हम डीसी सप्लाई को पीछे ही साइड पे कर देते हैं। हमारे एसी सप्लाई का हो गया कनेक्शन। अब हम इसकी जो आखिरी रह गई है कार्टन पिन, तो जल्दी से हम इसकी कार्टन पिन भी लगा लेते हैं ना। और एक कप टाइट करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़्यादा टाइटिंग करना, अगर ज़्यादा टाइट होगा तो पंखे के साथ रगड़ लगेगी और ये हमारा कप आवाज़ देगा, पंखा चलते हुए ज़्यादा रनिंग में जब आएगा तो हमारा पंखा शोर देगा। रिमोट के साथ पर्ची पड़ी होती है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इन्वर्टर फैन को डिमर के बगैर इस्तेमाल करना है। याद रहे कि डिमर के बगैर इस्तेमाल करना है, जितने भी डीसी पंखे होते हैं, इन्वर्टर फ़ैन होते हैं, उनके साथ यूपीएस फैन डिमर नहीं लगाया जाता, उनका कनेक्शन डायरेक्ट स्विच के साथ होता है। तो अब हम पंखे की स्पीड को बढ़ाते हैं, एक स्पीड पे देखेंगे कितना स्लो है, दो की स्पीड पे देखें और तेज़, तीन की स्पीड पे और तेज़, और चार की स्पीड से ये देखेंगे कितना जल्दी से हमारा पंखा भाग रहा है, और पाँच की स्पीड पे और तेज़ और छः की स्पीड। आप एक घंटे का टाइमर भी लगा सकते हैं, 2 घंटे का, 3 घंटे का और 4 घंटे का टाइमर भी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिक इन्फो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।